गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल रात भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के दिल्ली स्थित घर पर मुलाकात की। सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में और उसके आसपास किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने और बातचीत शुरू करने और स्थानांतरित करने के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया उनका विरोध स्थल। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने पिछले हफ्ते शुरू हुए हजारों किसानों के विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा की। बैठक में प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में 5 प्रवेश बिंदुओं को अवरुद्ध करने की धमकी दी। कथित तौर पर 2 घंटे से अधिक समय तक चली कृषि मंत्री ने इस मुद्दे पर आज सुबह श्री शाह से मुलाकात की। प्रदर्शनकारी किसानों ने पिछले कुछ दिनों में पानी के तोपों, आंसू गैस और पुलिस बैरिकेड्स को बंद कर दिया है, जिससे दिल्ली में सड़कों को 5 प्रवेश बिंदुओं से अवरुद्ध करने की धमकी दी गई है। सोनीपत, रोहतक, जयपुर, गाजियाबाद, हापुड़ और मथुरा, दिल्ली पुलिस ने आज सुबह यात्रियों से वैकल्पिक रास्ते लेने की अपील की, क्योंकि पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ सीमाओं के पास प्रमुख सड़कें बंद हैं। 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध के बीच अमित शाह ने शनिवार को कहा कि सरकार हर समस्या और मांग पर विचार करने के लिए तैयार थी। हालांकि गृह मंत्री ने कहा था कि अगर किसानों को सरकार के साथ जल्दी विचार विमर्श करना था तो विरोध को एक निर्धारित स्थान पर स्थानांतरित करना होगा। वार्ता 3 दिसम्बर को निर्धारित की गयी है। रविवार को एक बैठक के बाद किसानों ने शुरुआती वार्ता के लिए सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि उन्हें खुले दिल से संपर्क करना चाहिए था और केंद्र को पूर्व शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। सरकार की पेशकश को इस आशंका को खारिज कर दिया गया कि केंद्र द्वारा सुझाए गए विरोध प्रदर्शनों के कारण जेल बन सकते हैं, एक चिंता जो दिल्ली पुलिस द्वारा अरविंद केजरीवाल सरकार से प्रदर्शनकारियों के लिए जेलों को चालू करने की अनुमति मांगने के बाद शुरू हुई। बैठक के दौरान बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कल रात हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों एमएल खट्टर और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच नए खेत कानूनों को लेकर पिछले कुछ दिनों में और किसानों के शुरू होने के बाद विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा की। सूत्रों ने कहा कि पिछले सप्ताह दिल्ली में मार्च किया और 3 राज्यों की सीमाओं को पार किया। 2 महीने से अधिक समय से जारी इस विरोध को 500 किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त है। फार्म यूनियन के नेताओं का दावा है कि लगभग 3 लाख किसान विरोध मार्च में भाग ले रहे हैं। लगभग 3 महीनों के लिए किसान खेत कानूनों के खिलाफ हथियार उठाते रहे हैं, जिसका उद्देश्य बिचौलियों के साथ दूर करने और किसानों की कमाई में सुधार करके उन्हें देश में कहीं भी बेचने की अनुमति देकर सुधार करना है। किसानों और विपक्षी दलों का आरोप है कि कानून किसानों को उनकी उपज के न्यूनतम मूल्य से वंचित करेगा और उन्हें कॉर्पोरेट्स की दया पर छोड़ देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो पते मन की बात में रविवार को कहा कि कृषि क्षेत्र में केंद्र के सुधारों ने किसानों के लिए कई और अवसर खोले हैं और उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा किया है। देखने के लिए धन्यवाद।